हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे डेरी फाइलिन रिटार्ड 150 mg टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसका यूज कब किया जाता है और दिन में कितने टाइम लेना होता है, कितने दिन तक चलता है और इसको लेने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं किसी किसी में, और लास्ट में जानेंगे इसको लेने से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो बन रही वीडियो में अंत तक, वीडियो को अंत तक देखिए। आपसे निवेदन है, आइए बात करते हैं डेरी फाइलिन रिटार्ड टैबलेट के बारे में। तो यह जेडस हेल्थ केयर कंपनी का आता है और 30 टैबलेट आपको 30 रुपये में मिल जाता है, जो काफ़ी चीप और बेस्ट है। बात करें कंपोजिशन का तो इसमें इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन प्रोलॉन्ग रिलीज में है, यह जो कि काफ़ी देर तक शरीर में असर बनाए रखते हैं दवा का, जिसके चलते आदमी को सांस की परेशानी ठीक हो जाता है। बात करें तो इटोफाइलिन 115 mg है और थियोफाइलिन 35 mg है। ये दो दवा कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। इसका यूज अस्थमा में किया जाता है और दमा में किया जाता है और ब्रोंकोटाइटिस में किया जाता है, जैसे खांसी हो गया, सूखी खांसी, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे कि COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, जैसे कि लंग्स की ब्रोंकाई जो होता है वो सिकुड़ जाता है, जिसके चलते पूरा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है लंग्स में, जिसके चलते सांस फूलने लगता है। तो ये क्या करता है, जो लंग्स की ब्रोंकाई होता है सिकुड़न को फैला देता है और ऑक्सीजन पूरा सप्लाई होने लगता है लंग्स में और सांस फूलने की समस्या ठीक हो जाता है। ये सब यूज है डेरी फाइलिन टैबलेट का और इसका डोज ये है, डॉक्टर अपने हिसाब से इसको डोज बनाते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन रहता है हल्का तो एक टाइम चलता है और ज़्यादा पर्सन रहता है तो 2 टाइम डॉक्टर चलाते हैं लोग अपने अकॉर्डिंग। साइड इफ़ेक्ट इसको लेने के बाद अगर नौजिया होने लगे, वोमिटिंग होने लगे, स्किन पर एलर्जी दिखाई देने लगे या सर में दर्द होने लगे या उल्टी जैसे मन होने लगे, ये सब समस्या अगर इनमें से कोई दिखाई दे तो समझ आपको सूट नहीं कर रहा है, साइड इफेक्ट कर रहा है, बंद कर दें। प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए, प्रिकॉशन ये है कि यह प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए और 12 साल से कम वाले उम्र के बच्चों को ना दें, और इसको लेने के बाद अल्कोहल बिल्कुल ना लें, और डेरी फाइलिन टैबलेट लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से राय लेके तभी लें, क्योंकि आपकी परेशानी किस तरह है और किस तरह यूज बनता है दवा का वो देखने के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और जैसे कि आप ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए रखें, लेने से पहले डॉक्टर ज़रूर राय ले लें। ये सब प्रिकॉशन है और ये रहा पूरी जानकारी डेरी फाइलिन टैबलेट 150 mg टैबलेट के बारे में। और जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से आपको मेडिसिन के बारे में रेगुलर जानकारी मिलता है इस चैनल पर। धन्यवाद।